हेलो दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड हैं ट्वेंटी सेकेंड फेबरवरी से लेकर ट्वेंटी सिक्स फेवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू जी हाँ दोस्तों याद रखें कि करंट अफेयर्स आपके आने वाले एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन रहने वाला तो वीडियो को एंड तक देखते रहें वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें वीडियो अगर कर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करें चैनल को सपोर्ट करने के लिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं who has been appointed as the आपको बताना है। Economic Advisory Council to the Prime Minister में member में से किसको अपॉइंट किया गया है ऑप्शन से आपके पास संबित पात्रा रंजन गोगोई संजीव सनियाल या फिर किरण रिजिजू इसका सही आंसर रहेगा पार्ट सी दोस्तों संजीव सनियाल फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर थे उनको हाल ही में फुल टाइम मेंबर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर के लिए अपॉइंट किया गया है और दोस्तों याद रखें कि पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है इसके अलावा दोस्तों ये भी याद रखें कि विवेक डेब्रो जो हैं ये चेयरमैन हैं इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द मिनिस्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिलीज फेथ टू थाउजेंडी विजन डॉक्यूमेंट आपको बताना है इनमें से किस सेक्टर ने हाल ही में फेथ 2035 विजन डॉक्यूमेंट को रिलीज किया ऑप्शन है आपके पास टेक्सटाइल सेक्टर टूरिज्म सेक्टर पेट्रोलियम सेक्टर या फिर रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर इसका सही आंसर रहेगा पार्ट बी टूरिज्म सेक्टर दोस्तों याद रखें कि फेथ की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडिया टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज अप्रूव्ड ए न्यू स्कीम ने फॉर द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू 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 आपको बताना है हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक नई स्कीम को अप्रूव किया है फाइनेंशियल ईयर साल 2022 से लेकर 2027 तक आपको बताना है इस स्कीम का नाम क्या है ऑप्शंस हैं न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम अखंड इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम पढ़ेगा इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम या फिर ननाब दीज इसका सही आंसर रहेगा पार्ट ए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम इसका नाम रहेगा और दोस्तों याद रखें कि ये जो प्रोग्राम है ये तमाम आस्पेक्ट्स को कवर करेगा जो एल्डर एडल्ट एजुकेशन से रिलेटेड हैं और दोस्तों याद रखें कि इस प्रोग्राम के लिए वन थाउजेंड थर्टी सेवन पॉइंट नाइन जीरो करोड़ रुपये जो है, वो आ, हैं वो अप्रूव किए गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बांग्लादेश विद विच कंट्री कंडक्टेड ए ज्वाइंट टैक्टिकल एयरलिफ्ट एक्सरसाइज कूप साउथ ट्वेंटी टू आपको बताना है बांग्लादेश ने कूप साउथ ट्वेंटी टू जो कि एक एयरलिफ्ट एक्सरसाइज थी इनमें से किस मुल्क के साथ कंडक्ट की ऑप्शन आपके पास यूएस इंडिया श्रीलंका या फिर पाकिस्तान इसका सही आंसर रहेगा पार्ट ए यूएस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टीम हैज वन सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 इन मेन्स कैटेगरी आपको बताना है मेन्स कैटेगरी में इन में से किस टीम ने जीता सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 ऑप्शंस हैं जम्मू एंड कश्मीर हरियाणा महाराष्ट्र या फिर केरला इसका सही आंसर रहेगा पार्ट बी हरियाणा ने इंडियन रेलवे को हरा कर यह चैंपियनशिप जीती नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टीम हैज वन थाउजेंड 2021 फीफा क्लब वर्ल्ड कप चैंपियनशिप आपको बताना है इनमें से किस टीम ने जीता uh, साल 2021 का फीफा क्लब वर्ल्ड कप चैंपियनशिप ऑप्शंस हैं पोलैंड चेल्सी ब्राजील या फिर नानाबदीज इसका सही आंसर रहेगा पार्ट बी चलसी नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जम्मू एंड कश्मीर आपकी जमीन आपकी निगरानी हैज बीन इनिशिएटेड अंडर विच प्रोग्राम आपको बताना है जम्मू कश्मीर में आपकी जमीन आपकी निगरानी जो इनिशिएटिव है वो किस प्रोग्राम के तहत किस प्रोग्राम के अंडर लॉन्च किया गया ऑप्शन है आपके पास डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम डिजिटल पासबुक इंडिया जनधन योजना किसान बीमा योजना इसका सही आंसर रहेगा पार्ट ए डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंडर आपकी जमीन आपकी निगरानी जो इनिशिएटिव है वो लॉन्च किया गया इस प्रोग्राम के अंडर जम्मू कश्मीर में 7.70 करोड़ पेज जो हैं उनको स्कैन किया गया है इसके अलावा फिफ्टी uh, फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड सिक्सटीन मुसवी यानि मैप्स को भी स्कैन किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द ग्रेट गेम शेपिंग जियो पॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनी ऑफ नेशंस आपको बताना है ये किताब किसने लिखी है ऑप्शन आपके पास अनिरुद्ध सूरी कैलाश मिश्रा अरुंधति रॉय या फिर गीता कुलकर्णी इसका सही आंसर रहेगा पार्ट ए अनुरु सूरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाउ मेनी एंटी सबमेरी पी एट आई फ्रॉम द यूएस बेस्ड एयर एरोस्पेस कंपनी बाय इंडियन नेवी रिसेंटली आपको बताना है हाल ही में इंडियन नेवी ने कितने एंटी सबमेरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट पी एट आई को हाल ही में रिसीव किया यूएस बेस्ड एयरोस्पेस कंपनी से ऑप्शन है आपके पास फिफ्टी थर्टी फाइव ट्वेल्व या फिर फाइव इसका सही आंसर रहेगा पार्ट सी ट्वेल्व इसके अलावा दोस्तों यहां पर यह भी याद रखें कि इंडिया ने हाल ही में तीन और रफाइल फाइटर प्लेन को फ्रांस से रिसीव किया ट्वेंटी uh, सेकेंड 2022 टू थाउजेंड ट्वेंटी टू को और इसके साथ इंडिया के पास अब आ गए थर्टी फाइव रफाइल uh, जेट्स और टोटल जो जेट्स फ्रांस से खरीदने हैं इंडिया को वो है थर्टी सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड विनिंग पॉइट चन्नावीरा कन्नावी हैज पास्ट अवे रिसेंटली ही वॉज फेमस राइटर एंड पॉइट इन विच लैंग्वेज आपको बताना है हाल ही में चन्ना वीरा कन्नवी का इंतकाल हो जाता है उनकी डेथ हो जाती है और इनको साहित्य एकेडमी अवार्ड से भी नवाजा गया है वो एक बहुत ही मशहूर पॉइट और राइटर थे आपको बताना है वो किस लैंग्वेज में लिखते थे ऑप्शन हैं आपके पास हिंदी कन्नड़ मराठी या फिर भोजपुरी इसका सही आंसर रहेगा पार्ट बी कन्नड़ दोस्तों याद रखेंगे इनको समन्वया कवि या इनको पॉइंट ऑफ रिकैंसिलेशन भी कहा जाता था तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आप डेली वीडियोस अपडेट्स नोटिफिकेशन पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेलाइकन जरूर प्रेस करें दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर